हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल GDS के रिजल्ट कब तक आउट हो सकते हैं, और उसी के साथ जो न्यू अपडेटेड रिजल्ट्स आ चुके हैं कुछ स्टेट्स के, तो उन्हें भी हम एनालाइज करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, जहाँ पर कम्प्लीट आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट अंडर प्रोसेस में अभी भी महाराष्ट्र स्टेट दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ और केरला स्टेट के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो गाइस, अगर हम देखें, हमने यहाँ पर फुल एनालाइज किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल GDS के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो 24th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइनली हो चुकी थी 10th of June 2021 तक। यानी कि गाइज, आप 10th of June तक फॉर्म फिलअप कर सकते थे महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल GDS के रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर हम देखें तो अभी भी रिजल्ट के मतलब डेट के बारे में या कुछ भी न्यू अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज नहीं की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ और केरला का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ के एप्लीकेशन डेट देखें वो है 8th of March 2021 तक, यानी कि 8th of March से एप्लीकेशन आप भेज सकते थे, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था 7th of April तक। यानी कि गाइस, 7th of April को लास्ट डेट हो चुका था छत्तीसगढ़ के पोस्टल सर्कल GDS की रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि आपका जो छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल का रिजल्ट है वो 7 September को रिलीज कर दिया गया है, यानी कि टोटल 5 months के बाद आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। और अगर हम केरला का देखें तो केरला का भी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके थे 8th of March को, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था 21st of April तक। तो 21st of April तक आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है 23rd of August को। यानी कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है केरला पोस्टल सर्कल GDS के लिए। तो गाइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 months या फिर 5.5 months के अंदर अंदर आपका रिजल्ट छत्तीसगढ़ एंड केरला स्टेट के आउट हो चुके हैं पोस्टल सर्कल GDS की रिक्रूटमेंट के लिए। तो गाइज, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र का जो मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था वो 10th of June को था, यानी कि अगर हम 5 months देखें महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल GDS के लिए, तो अक्टूबर के मंथ तक आपका रिजल्ट जो है वो आउट होने की संभावनाएं लग रही है। अगर अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आउट नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा नवम्बर का मंथ तक आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर रिजल्ट अंडर प्रोसेस में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना, ये तीनों ही स्टेट्स दिख रहे हैं जिनका भी अभी रिजल्ट आना बाकी है, और वेस्ट बंगाल और बिहार, ये दो स्टेट्स के कुछ दिनों पहले ही नोटिफिकेशन आउट हुई थी और अभी ये रिजल्ट अंडर प्रोसेस में दिख रहा है। इसी के हिसाब से आंध्र प्रदेश और दिल्ली और तेलंगाना, ये बहुत पहले से मतलब इनकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। अगर आप देखें तो तेलंगाना की जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी वो 27th of January को थी, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 26th of February को था। उसी के हिसाब से GDS दिल्ली रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो थी वो 27th of January को थी, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26th of February को था। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी गाइज, आपका जो नोटिफिकेशन है वो 27th of January को रिलीज किया गया था, और क्लोजिंग का जो डेट्स था एप्लीकेशन का वो 26th of February को रखा गया था। यानी कि गाइज, मतलब तीनों ही अगर हम स्टेट्स देखें तो कॉमनली जनवरी और फरवरी, इन दोनों ही मंथ में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 months में कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि जनवरी और फरवरी। तीनों ही स्टेट्स के अभी भी कोई भी मतलब रिजल्ट के बारे में न्यू अपडेट जो है वो नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है छत्तीसगढ़ और केरला का। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो स्टेट्स के मतलब एप्लीकेशन है वो लेट स्टार्ट हुए थे, और लेट उनका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी था, लेकिन उनका रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है गाइस कि आपके कोरोना केसेस जो है वो कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी महाराष्ट्र में जो अपडेटेड केसेस है जो कि 26th of August से लेकर 8th of September को अगर हम देखें तो 60,000 से महाराष्ट्र में केसेस जो है वो टोटल बढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 490 के आसपास आपके जो कोरोना केसेस है वो बढ़े हैं। यानी कि गाइज, मतलब जिन स्टेट्स में थोड़े बहुत हालात कंट्रोल में है या फिर वहाँ पर कुछ लॉकडाउन नहीं है, तो वहाँ के जो रिजल्ट है वो जल्दी से रिलीज कर दिया गया है, और महाराष्ट्र के यहाँ मतलब सबसे ज्यादा वो टोटल केसेस जो है वो 60,192 केसेस बढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ 26th of August से लेकर 8th of September के बीच में। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में थोड़ा डिले होने की संभावनाएं हैं,
उसी के साथ जो तेलंगाना है, तेलंगाना में भी गाइस बहुत ज्यादा टोटल केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी और आंध्र प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन तीनों ही स्टेट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और केरला का रिजल्ट आउट हुआ है। आई होप कि जल्दी से आंध्र प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना का रिजल्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद गाइस महाराष्ट्र का नंबर आ सकता है, लेकिन ऐसे मतलब हम कंफर्मली नहीं बता सकते हैं कि कौन से स्टेट का पहले रिजल्ट आएगा, क्योंकि जहां पर भी थोड़े से हालात कंट्रोल में होंगे या फिर लॉकडाउन नहीं होगा तो वहां पर जल्दी से रिजल्ट रिलीज कर जाएगा। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, जैसे कि छत्तीसगढ़ और केरला का रिजल्ट 5 और 5.5 मंथ्स में आउट हो चुका है, तो महाराष्ट्र का भी रिजल्ट जल्दी से आउट हो सकता है अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ तक, और आंध्र प्रदेश और दिल्ली तेलंगाना के बारे में भी जल्द ही रिजल्ट आउट होने की संभावनाएं अभी लग रही है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी बता दी है आपके रिजल्ट के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। कंप्लीट डिटेल में हमने सभी स्टेट्स को एनालाइज किया है और जितने स्टेट्स के रिजल्ट आउट हुए हैं उनके बारे में भी स्टडी किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स के। थैंक यू ऑल।